हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BioP53 में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में जो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया है। चलिए, ये जो आज हम बात करते हैं इन सारे क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम नीट, GIC, पद्धत आश्रम, TGT, PGT सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए एपो एंजाइम एंजाइम ओजन, ऑप्शन बी एपो एंजाइम एंड को एंजाइम, ऑप्शन सी एपो को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑप्शन डी प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को फैक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन है एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया, ऑप्शन बी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर। WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा सेल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी RBC। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आयरन एटम इन वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, सी ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को एंजाइम। ऑप्शन ए NAD, ऑप्शन बी NADP, ऑप्शन सी FAD, ऑप्शन डी MN+2। इसका करेक्ट ऑप्शन है MN+2। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन ए एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स, ऑप्शन बी एलोस्टेरिक साइट, ऑप्शन सी कैटालिटिक साइट और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इनहिबिटर बियर अ क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द। ये बोल रहा है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो होता है उसमें इनहिबिटर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है, सबस्ट्रेट के। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एंजाइम एक्ट बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड। ऑप्शन ए कैटालिटिक टेम्परेचर, ऑप्शन बी एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लॉक एंड की मॉडल इज आल्सो नोन एज टेम्पलेट मॉडल, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ऑप्शन सी कोसलैंड मॉडल, ऑप्शन डी एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन मॉडल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है टेम्पलेट मॉडल। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच बॉन्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी वांडर वाल फोर्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखिए क्या है कि डाइसल्फाइड जो है कोवालेंट बॉन्ड बनाता है और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कभी कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम आर कोलाइडल इन नेचर, ऑप्शन सी एंजाइम आर थर्मोलेवाइल, ऑप्शन डी एंजाइम ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी एंजाइम आर इन ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ये इनकरेक्ट पूछा है तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एपो एंजाइम डिसोसिएट फ्रॉम को एंजाइम ड्यू टू। इसका हमें आंसर बताना है। इसका ऑप्शन है चेंज इन pH, ऑप्शन बी चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी है इसका चेंज इन इनहिबिटर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चेंज इन
पीएच, ठीक है। जब हम पीएच में चेंज लाएंगे तो क्या होगा कि जो एपोएंजाइम है वो डिसोसिएट हो जाएगा कोएंजाइम से, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 13 की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिशन शो डिक्रीज्ड के एम वैल्यू, ठीक है। आपसे यहाँ के एम वैल्यू पूछा है, तो याद रखिएगा कि जो के एम वैल्यू है वो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है। चलिए हम आगे और सारे क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 50 मिली पर किलोग्राम बॉडी वेट, ऑप्शन बी 60 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, ऑप्शन सी 90 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट और ऑप्शन डी 80 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 80 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल ब्लड पीएच इज, ऑप्शन ए 7.3, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4, ठीक है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 7.4, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हिमेटोक्रिट वैल्यू इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन ए WBC टू प्लाज्मा, प्लेटलेट्स टू प्लाज्मा, RBC टू अ प्लाज्मा, ऑप्शन डी टोटल ब्लड सेल टू प्लाज्मा, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है RBC टू प्लाज्मा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन जो हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी या सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है प्लाज्मा रिप्रेजेंट, यहाँ पर फिल करना है परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो हमारा कंट्रीब्यूट करता है, ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन रेंजेस फ्रॉम, ऑप्शन ए 2.2 से 4.3 ग्राम परसेंट, ऑप्शन बी है 6.3 ग्राम, ऑप्शन सी है 6.4 से 8.3 ग्राम, ऑप्शन डी है 8.4 से 10.2 ग्राम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 2.2 से 4.3 ग्राम, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ टू माई कंट्रीब्यूट टू मैक्स टू सेंटेंस टू टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। ऑप्शन हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सीरम डज नॉट कंटेन, ये देखिए एक क्वेश्चन एक गलत टाइप हो गया है, तो छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ हीम विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइज्ड हीम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन डैश पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ऑप्शन ये है 2α 2γ, ऑप्शन बी 2α 2β, ऑप्शन सी 2α 2δ और ऑप्शन डी है 2β 2γ, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो वो है बी 2α एंड 2β। आप क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज
डैश नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। ठीक है, हम चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ईच ग्राम परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन फुली सैचुरेटेड कैन कैरी ml ऑफ ऑक्सीजन 1.34 ml, बी 3.14 ml, ऑप्शन सी 4.13 ml, ऑप्शन डी 5 ml। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1.34 ml। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्ट लाइज इन व्हिच पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन ए अल्फा चेन, ऑप्शन बी बीटा चेन, ऑप्शन सी गामा चेन, ऑप्शन डी डेल्टा चेन। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बीटा चेन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, एवरेज मीन कॉर्पस्कुलर डायमीटर इज, ऑप्शन ए है 5.1, ऑप्शन बी है 6.3, ऑप्शन सी है 7.3 और ऑप्शन डी है 8.5। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 7.3। हम अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट बियॉन्ड 110 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इज नोन एज, ऑप्शन ए एन आइसोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पॉइकिलोसाइटोसिस, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया। हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ऑप्शन सी कह रहा है लेट नॉर्मोब्लास्ट और ऑप्शन डी कह रहा है प्रो नॉर्मोब्लास्ट। तो जो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन बी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया किडनी रिलीज, ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी रिनल इरिथ्रोपोएटिक फैक्टर, ऑप्शन सी इरिथ्रोपोएटिन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रिनल इरिथ्रोपोएटिक फैक्टर। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, इंट्रेंसिक फैक्टर इज सेक्रेटेड बाई, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी चीफ सेल्स ऑफ स्टमक, ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक, ऑप्शन डी बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, आयरन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड डी। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड डी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस सारे क्वेश्चन को। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लार्जेस्ट WBC इन पेरीफेरल ब्लड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पेरीफेरल ब्लड में जो नॉर्मल लार्जेस्ट WBC पाई जाती है वो है मोनोसाइट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मोनोसाइट। हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द प्रोसेस बाई विच WBC स्क्वीज थ्रू पोर इन कैपिलरी वाल इज, ऑप्शन फर्स्ट कीमोटैक्सिस, ऑप्शन सेकेंड पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शन डी डायापिडेसिस। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डायापिडेसिस। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स इज, स्मॉल ऑप्शन ए स्मॉल लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स है जो प्लेटलेट को कहते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज, ऑप्शन ए परनीसियस एनीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। कॉम्युनिस्ट एनीमिया जो है भारत में वो है ऑप्शन सी आयरन डिफिशेंसी
एनीमिया। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 36 की। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज क्वाइन बाई, ऑप्शन ए कैमिलो गाल्जी, ऑप्शन बी पोर्टर, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी बेंडा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है पोर्टर। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज अ कंटिन्यूअस कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेट गॉल्जी अपैरेटस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी आर ई आर, ऑप्शन डी एस ई आर। ठीक है, देखिए यहाँ आर ई आर का मतलब आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, इन आर ई आर राइबोसोम आर लोकेटेड ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड, ऑप्शन बी कह रहा है ऑन द ल्यूमिनल साइड, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी कह रहा है ऑल थ्रू आउट। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द साइटोप्लाज्मिक साइट। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर ट्रू रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। ठीक है, सही बोल रहा है। ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, सही बोल रहा है। ऑप्शन सी इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गॉल्जी अपैरेटस। ऑप्शन ए है सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, ऑप्शन बी है एग्जोसाइटोसिस ऑफ मेलेनिन ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी है एग्जोसाइटोसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। देखिए गॉल्जी अपैरेटस का जो फंक्शन है वो सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग का है, एग्जोसाइटोसिस ऑफ मेलेनिन ग्रेन्यूल्स, एग्जोसाइटोसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स भी है। तो ठीक है, इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द टर्म गॉल्जी अपैरेटस वाज कॉइन्ड बाई, ऑप्शन इसका फर्स्ट है कैमिलो गॉल्जी, ऑप्शन बी है इसका रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है बेंडा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कैमिलो गॉल्जी। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल आर लोकेटेड ऑन, ऑप्शन ए है थाइलाकॉइड्स, ऑप्शन बी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है गोल्जियन वैक्यूल्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर, ऑप्शन ए बोल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी बोल रहा है फास्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवो प्रोटीन्स, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमालिक्यूल्स, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी का साइटन है वो आसन है वो आ करेक्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन व्हिच फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन ए है फॉस्फेटाइडल आइनोसिटाल, ऑप्शन बी फॉस्फेटाइडल सेरीन, ऑप्शन सी कार्डियोलिपिन, ऑप्शन डी फॉस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसका ऑप्शन जो है करेक्ट, एक मिनट हम सही कर दें, इसका जो है गलत लग गया, ऑप्शन सी इसका है कार्डियोलिपिन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 44 45 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी नॉन सेवरिंग थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन नहीं है, सॉरी
तो जो इसमें माइटोकांड्रिया का फंक्शन नहीं है वो है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकांड्रिया। ऑप्शन इसका है फर्स्ट कॉलिकर, ऑप्शन सेकेंड है बेंडा, ऑप्शन थर्ड है फ्लेमिंग, ऑप्शन फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो जो माइटोकांड्रिया की खोज की थी वो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, बेंडा। हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी स्टार्सबर्गर, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर वो है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ऑप्शन सी। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस कनेक्शन विद। ऑप्शन ए स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गाल्जी अपारेटस, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए साइज ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स, ऑप्शन सी डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियर पोर्स है वो कितने रहेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, द डीएनए प्रोटीन रेशियो इन क्रोमेटिन इज। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:n, ऑप्शन डी 4:n। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1:1, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज। ऑप्शन ए है इसका आरएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी है डीएनए सिंथेसिस, ऑप्शन सी हिस्टोन सिंथेसिस, ऑप्शन डी राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोमल सब यूनिट सिंथेसिस। ठीक है, 52 से नंबर 52 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 52, वोल प्रोटीन ऑफ द न्यू प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियस आर। ऑप्शन ए न्यूक्लियो हिस्टोन, ऑप्शन बी न्यूक्लियो प्रोटामाइंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन इसका जो है सेकेंड सही, सॉरी सी सही है, बोथ ए एंड बी। न्यूक्लियो हिस्टोन और न्यूक्लियो प्रोटामाइंस जो होते हैं वो दोनों क्या हैं, बेसिक प्रोटीन्स हैं। क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसमें हिस्टोन की जगह प्रोटामाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, हो सकता है पूछ ले कि हिस्टोन की जगह स्पर्म में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है क्रोमेटिन्स में, तो वो होती है न्यूक्लियो प्रोटामाइंस। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है मसल सेल्स, ऑप्शन बी है एसएनआर सेल्स, ऑप्शन सी है एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन डी है हिपेटोसाइट। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ऑप्शन ए ऑटोफेजी, ऑप्शन बी ऑटोलाइसिस, ऑप्शन सी डाइजेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 55 की, लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन बी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस एबव। ठीक है, जो लाइसोसोम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, हु आइडेंटिफाई लाइसोसोम। ऑप्शन ए नॉविकॉफ, ऑप्शन बी क्लाउड, ऑप्शन सी पैलेडे, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एवर। जो इसका करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर है नॉविकॉफ। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, ऑल द फॉलोइंग हैज राइबोसोम एक्सेप्ट। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, एंड ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो पूछ रहा है कि राइबोसोम कहाँ पे नहीं पाया जाएगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं राइबोसोम न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, इन 70S राइबोसोम एस स्टैंड फॉर।
ऑप्शन ए है एसआई यूनिट्स, ऑप्शन बी सोलिबिलिटी फैक्टर, ऑप्शन सी स्वेट बेस यूनिट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वेट बेस यूनिट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 87 80S राइबोसोम आर फाउंड इन, ऑप्शन ए यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड ऑप्शन डी यूकैरियोटिक प्लांट सेल। ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यूकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है द सब यूनिट ऑफ 80S ऑफ राइबोसोम इंक्लूड, ऑप्शन ए 40S एंड 50S, ऑप्शन बी 30S एंड 50S, ऑप्शन सी 40S एंड 60S एंड ऑप्शन डी 20S एंड 60S। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 40S एंड 60S। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। द सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम इंक्लूड्स, ऑप्शन ए 40S एंड 50S, ऑप्शन 40S, ऑप्शन एंड 40S, ऑप्शन सी 30S एंड 50S, ऑप्शन डी है एंड 50S। ठीक है, एंड 50S। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 30S एंड 50S। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है 70S राइबोसोम अकर इन, ऑप्शन ए है वायरसेस, ऑप्शन बी है प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी है यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, ऑप्शन डी है यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए ओनली, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है आरएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन ऑप्शन। हम क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशली वेल डेवलप्ड इन सेल्स एक्टिवली इंगेज्ड इन, ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ऑप्शन डी लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन डी सिक्रेटरी फंक्शन। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब वेल डेवलप होगा, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उस टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप रहता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गॉल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी क्रोमोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। ठीक है, तो द न्यूक्लियस जो है उसमें क्या पाया जाता है, ऑप्शन सी क्रोमोसोम। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिलेक्टिवली परमिएबल, ऑप्शन सी इम्परमिएबल, ऑप्शन डी सेमी परमिएबल। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ऑप्शन ए सैंडविच मॉडल, ऑप्शन बी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ऑप्शन सी लेमिलार मॉडल एंड ऑप्शन डी फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी क्रोमोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी लिपिड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है राइबोसोम्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ऑप्शन ए स्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है और उसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट इज एब्सेंट फ्रॉम प्लांट सेल, ऑप्शन ए है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी है गॉल्जी अपैरेटस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो क्या है ना कि सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। हम क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन इज अबाउट, ऑप्शन ए 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थी, ऑप्शन बी है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थी, ऑप्शन सी है 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक, ऑप्शन डी है 100 to 120 एंगस्ट्रॉम थिक। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम थिक।
हम क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है द एंजाइम व्हिच ब्रेक अप स्टार्च इनटू शुगर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए हाइड्रोलेजेज, ऑप्शन बी एमाइलेजेज, ऑप्शन सी लाइपेजेज, ऑप्शन डी न्यूक्लियेजेज। जो इसका बी है वो करेक्ट आंसर है एमाइलेजेस। ठीक है, इसका जो करेक्ट है एमाइलेज है, एमाइलेज। ठीक, और 73 की बात कर, 73 की बात कर, टाइम इज अ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट विटामिन, सी विटामिन, ऑप्शन अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रोटीन्स। ठीक है, हम बात करते हैं एंजाइम, को एंजाइम इज ऑलवेज अ प्रोटीन, ऑप्शन ए अ मेटल, ऑफ्टन अ मेटल, ऑप्शन सी ऑलवेज एंड इन, ऑप्शन डी कंपाउंड, ऑप्शन डी ऑफ्टन अ विटामिन। ठीक है, तो जो को एंजाइम होता है विटामिन होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन अक्सर सारे विटामिन को एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। हम क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, एंजाइम आर नेम्ड आफ्टर देयर सबस्ट्रेट बाय बाइंडिंग सफिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी ओस, ऑप्शन डी सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एस है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन बी एस। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, एंजाइम एग्जिस्ट इन द सेल्स एज, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी कोलॉयड, ऑप्शन कोलॉयड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोलॉयड। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है एन एंजाइम ब्रिंग अबाउट, ऑप्शन ए रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, ऑप्शन सी रिएक्शन इन एक्टिवेशन इंक्रीज इन रिएक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, एक्टिवेशन करेगा तो जो रिएक्शन हो रही है वो फास्ट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इन सन इन इन रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है या नॉट करेक्ट या ट्रू फॉल्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है ऑल एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, ऑप्शन बी है ऑल एंजाइम आर बायोकेटालिस्ट, ऑप्शन सी है ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑप्शन डी है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। हमें इसमें नॉन करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ठीक है, ये गलत है, लेकिन एक चीज को याद रखिएगा कि आल एंजाइम आर प्रोटीन, यहाँ पे एक्सेप्ट आरएनए लगेगा। ठीक है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, लेकिन वो एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाँ बाकी सारे और सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड ब्लड शुगर ब्लड ग्रुप सॉरी, तो ऑप्शन ए एफ गैल्टन, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी सी लैंड स्टीनर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है डी है सॉरी कार्ड लैंड स्टीनर। ठीक है, हम आप क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, एंजाइम ब्रिंगिंग अबाउट हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड्स आर, ऑप्शन ए ट्रांसफरेज, ऑप्शन बी लाइसेस, ऑप्शन सी हाइड्रोलेजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है हाइड्रोलेजेस। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है ए एरोबिक रिस्पायरेशन इज परफॉर्म बाय, ऑप्शन ए ग्लाइऑक्सिसोम्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ए एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, बाइल रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड काज, ऑप्शन ए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ऑप्शन बी है डाइजेशन ऑफ फैट्स, ऑप्शन सी है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वन मिनट, चार्जर किधर है, सॉरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 83 के बात करते हैं, डायलिसिस काजेस, ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स, ऑप्शन बी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स
ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ कोलोइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन, ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है सेपरेशन ऑफ विटामिन्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अब 85 की बात करते हैं। पीएच ऑफ आरबीसी इज लोअर ड्यू टू, ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम पंप एक्शन, ऑप्शन बी गिब्स डोनन इफेक्ट, ऑप्शन सी इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोक्सिल फ्रॉम आरबीसी, और ऑप्शन डी है टर्न ऑफ द एबव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, गिब्स डोनन इफेक्ट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है गिब्स डोनन इफेक्ट क्रिएट्स, ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, जो गिब्स डोनन इफेक्ट होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिजल्ट ड्यू टू, ऑप्शन ए डोनन इफेक्ट, ऑप्शन बी इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन, ऑप्शन सी रिटेंशन ऑफ एन आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किसके द्वारा होता है, वो डोनन इफेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सबस्टेंस डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन डी कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक, क्या है कि सबस्टेंस का डिफ्यूजन जो है डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है होमियोस्टेसिस मीन्स, ऑप्शन ए कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी एडाप्टेशन विद द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो होमियोस्टेसिस है उसका मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी है उनके टेम्परेचर को, उनके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाए। ठीक है, तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। इसका क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं। डिफ्यूजन इज मोर रैपिड इन, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी मिक्सर ऑफ लिक्विड एंड गैस। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गैस। गैस जो है बहुत तेजी से डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ डैश अकर्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए सॉल्वेंट, ऑप्शन बी सॉल्यूट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो ऑस्मोसिस होता है वो किसका है, मूवमेंट सॉल्वेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज विद राइज इन, ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द कैपिलरी वॉल इज एक्सर्टेड बाय, ऑप्शन ए साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन ऑन विस्कोसिटी इन्वॉल्व, ऑप्शन ए है इसका इंक्रीज इन विस्कोसिटी, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है नो चेंज, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। क्या है ये, जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे, क्या होता है विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। पूछ रहा है पीएच मींस माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी माइनस लॉग पावर बेस 10 एच प्लस कंसंट्रेशन माइनस ऑफ सॉरी ऑप्शन सी है माइनस लॉग एस, ऑप्शन डी है लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप इन,
ऑप्शन ए विटामिन B12 डिफिशियंसी, ऑप्शन डिफिशियंसी, ऑप्शन डिफिशियंसी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। ठीक है, सी बोथ, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड विटामिन B12, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक सिस्टम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाई, इसका ऑप्शन है फैक्टर 3rd, ऑप्शन बी फैक्टर 8, ऑप्शन सी फैक्टर 2nd, ऑप्शन डी फैक्टर 1st। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो फैक्टर 3rd होगा। ठीक है, फैक्टर 3rd क्या है? ये एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, किसके लिए? फैक्टर 7 के लिए। ठीक है, और इस यही क्या करता है, फैक्टर 7 फैक्टर 3 से बाइंड करेगा और क्लॉटिंग सिस्टम को, एक्सट्रिंसिक सिस्टम जो है उसको इनिशिएट करेगा। हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी कोएगुलेंट, ऑप्शन ए हेपरिन, ऑप्शन बी प्रोटीन सी, ऑप्शन डी एंटी थ्रोम्बिन, 3rd ऑप्शन डी थ्रोम्बिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, थ्रोम्बिन है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है फॉलोइंग आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी पराग्यसोम। ठीक है, कह रहा है कि किस ऑर्गेनेल पर सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर हम 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है द इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन मेनली फंक्शन एज, ऑप्शन ए एंजाइम्स, ऑप्शन बी कैरियर, ऑप्शन सी पोर्स, ऑप्शन डी चैनल्स। तो क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन में, और चैनल्स और पोर फॉर्मेशन में भी काम करती हैं, लेकिन जो मेनली इनका वर्क है वो एंजाइम की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए एंजाइम। ठीक है, तो चलिए इतने 100 क्वेश्चन थे। हम और भी नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से या प्लांट फिजियोलॉजी से लाएंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।